हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक ऐसी जगह पर ले जाकर बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको बस यहाँ पर रहना है और सोना है, इसके लिए आपको करोड़ों रुपए दिए जाए, तो आप क्या इस काम को करेंगे? वेल, कहानी की शुरुआत होती है, ब्लैकवुड फार्मा कंपनी एक एड चलाती है जिसमें वो सभी को बताती है कि वो एक ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं अपनी एक न्यू मेडिसिन के लिए। अगर उन्हें इस काम में पार्टिसिपेट लेना है तो वो आ सकते हैं, इसके बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद हम इस कहानी के सबसे पहले और अहम किरदार को देखते हैं, जो कि इस टास्क में हिस्सा लेने वाली लड़की थी। उसे कंपनी में बुलाया जाता है और ठहरने के लिए एक रूम भी दिया जाता है। उसे कुछ देर बाद वहां पर उसकी मुलाकात होती है एलिसन से, जो बहुत ही ज्यादा फ्रैंक थी। वो आते ही क्लेयर से बातें करना शुरू कर देती है। इतने में अनाउंसमेंट होती, सभी को एग्जाम हॉल में बुलाया गया। अगले सीन में हम वहाँ पर 7 लोगों को देखते हैं, जिसमें एक इंडियन बंदा भी होता है, उसका नाम है आमिर। उसके साथ और भी कई लोग हैं। उन सभी को यहाँ के रूल्स और चीजें बताई जाती है कि उन्हें हर दिन 25 ग्राम की एक डोज दी जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि ये डोज किस चीज की है, और ना ही वो ये कभी पूछेंगे। डॉक्टर ब्रुक, जो कि यहाँ की हेड थी, वो सभी से कहती है कि ये चीजें 7 दिन तक चलती रहेगी और आखिरी दिन तक आप सभी की डोज को बढ़ाकर 80 ग्राम कर दिया जाएगा। जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो उन्हें $20 मिलियन दिए जाएंगे और घर भेज दिया जाएगा। वेल, ये चीजें जितनी सुनने में आसान थी उतनी लगती नहीं है। अब रुक यहाँ पर ये भी बताती है कि उनके ऊपर 24 घंटे सारे डॉक्टर नजर रखेंगे कि ये डोज किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर बताएं। यहाँ पर हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि इस जगह पर एक भी CCTV कैमरा नहीं लगे हुए, जो कि बहुत ही अजीब है। ना ही किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है। खैर, अब सभी को पहली डोज दी जाती है, जिसे लेने से पहले क्लियर थोड़ा सोचती है कि वो ये सही कर रही है या फिर नहीं, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इस चीज में। जितने लोग यहाँ पर हैं वो सभी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी बड़े लोन में फंसे हुए हैं, और ये बड़ी कंपनी इनकी इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। अब सभी साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ पर क्लियर का एक साथी उसे शेयर करता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है और इन लोगों की वजह से उसने अच्छे पैसे कमाए। वहीं क्लियर बताती है कि उसका ये फर्स्ट टाइम है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। हालांकि ये कहने वाली वो अकेली नहीं है, और भी लोग हैं जो उसी की तरह यहाँ पर पहली बार आए। रात होने से पहले अब सभी का चेकअप किया जाता है और फिर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्लियर की रूममेट एलिसन बहुत ही ज्यादा बोलती है, इसीलिए उसे इरिटेशन होने लगती है, वो सो नहीं पाती। इसी बीच उसे बार बार वॉमिट आ रही थी, जिसे करके वो वापस आ रही होती है। उसी समय उसे वहां पर आमिर मिलता है, उसकी भी सेम ऐसी हालत। ये शायद उस डोज की वजह से हुआ है। ये आमिर की बातों से हमें पता चलता है कि वो असल में एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो इस कंपनी में इंटर्नशिप लेना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर आए और वो इस कंपनी में इंटर्नशिप लेना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर आए। अब बातें खत्म हो जाने के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर क्लियर को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं, उसका सर फटना शुरू हो जाता है और तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। उसी समय जब वो अपने रूममेट को देखती है तो वहां पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगती है और तब वो नोटिस करती है कि कोई भी अपने रूम में नहीं है। वो थोड़ा और आगे जाती है, जहाँ उसे एक रूम दिखाई देता है जिसका गेट खोलने पर उसे सारे साथी वहीं मिलते हैं। उन्हें भी उसकी तरह नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सभी साथ में बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। और सुबह हो जाती है और तब डॉक्टर ब्रुक उनका चेकअप करने के लिए आती है। जहाँ उन्हें इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल उन्हें भी नहीं पता कि असल में ये डोज किस चीज की है, उन्हें तो बस ऊपर से ऑर्डर आए जो उसे फॉलो करने हैं। वहीं दूसरी ओर हम सब लोगों को देखते हैं जो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। वो सभी बहुत थक चुके थे क्योंकि पिछले 30 घंटे से वो सोए नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी नींद नहीं आती। इसी बीच हम एलिसन और क्लियर को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर क्लियर को पता चलता है कि एलिसन स्केच बहुत अच्छा बनाती है, जिसमें उसे पॉल की पेंटिंग बनाई है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। उधर डॉक्टर ब्रुक अपने हेड ऑफिसर से बात करती है और उन्हें बताती है कि हमें इन लोगों के डोसेस को कम करना होगा, क्योंकि इससे इनके दिमाग में सूजन हो रही है, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है, और इस डोज से इन्हें नींद भी नहीं आ रही है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये डोज किस चीज की है और क्या ये सच में 25 ग्राम ही है? पर उसके सीनियर उसे कुछ भी बताने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम वही करो, और इसीलिए वो चुप हो जाती है। वहाँ क्लियर और एलिसन दोनों लैब के बाहर खड़े होकर वहाँ रखे हुए कुछ रैट्स को देखते हैं, जिन्हें टेस्ट के लिए लाया गया था। क्लियर कहती है कि हम भी उन्हीं की तरह हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। मेरे आज तक किसी ने केयर नहीं की, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल रखा जाता है जो मुझे अच्छा लगता है। अब उसे नहीं पता कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। वो बताती है कि मैंने अपने पास की वजह से बहुत तकलीफें झेली है, खासकर मेरी मॉम की वजह से। अब कहानी और आगे बढ़ती है और 48 घंटे के बाद इन्हें फिर से डोज दी जाती है और इस बारी उसको बढ़ा दिया जाता है।
जैसे कि हमें पहले ही बताया जा रहा था। इसके बाद क्लेयर को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है, पर वो पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ उसका पास्ट के विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसकी माँ नशे की हालत में उसे बेरहमी से पीट रही थी और फिर कई दिन तक अंधेरे कमरे में बंद करती थी। ये सब की वजह से वो काफी सैड रहने लगी थी, लेकिन एलिसन अपनी बातों से उसका मूड ठीक कर देती है। अब अगले दिन जब इन्हें फिर से डोज दी जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा थी, जिसे देखकर सभी इसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो 80 ग्राम से ज्यादा लग रही थी। तभी वहां पर डॉक्टर ब्रुक आती है, उनसे कहती है कि जिसको भी जाना है इस ट्रायल को छोड़कर वो जा सकते, और जो बच जाएंगे उन्हें कंपनी एक्स्ट्रा 40,000 यूरोस देगी एज ए बोनस के तौर पर। अब ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और उस डोज को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब पैसा इंसान से कुछ भी करवा सक। अब सभी डोज लेते हैं सिवाय दो लोगों के, आमिर और क्लेयर। वो झिझक रहे थे, उन्हें डाउट था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर एलिसन आकर क्लेयर से जिद करती कि वो भी डोज ले ले और हमारे साथ आकर इस पार्टी को एंजॉय करे। अब वो इस बात को मान लेती है और जाते जाते डॉक्टर उन सभी से कहती है कि उन्हें आज से सोना नहीं है। वो देखना चाहती हैं कि इस चीज के ऊपर उनका क्या असर होगा। अब एक्स्ट्रा पैसा मिलने की वजह से सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर किसी को इतना भी अंदाजा नहीं था कि वो चंद पैसों के लिए क्या खा रहे हैं। सभी लोग उस दिन बहुत पार्टी करते हैं और रात होने पर साथ में बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं कि वो इन पैसों का क्या करेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद एलिसन कहती है कि वो सबसे पहले अपने घर वालों को लोन चुकाएगी। वहीं क्लियर कहती है कि वो खुद का एक घर खरीदेगी। उधर हम एक तरफ आमिर को देखते हैं जिसको शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो डॉक्टर रूम के कमरे में जाता है और उसके निकलने के बाद अंदर जाकर उन लोगों की रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर देता है, जहां उसके दिमाग के सारे होल्स खुल जाते हैं। वो दंग रह जाता है, उसे समझ आता है कि डोज की वजह से उन लोगों के ब्रेन डैमेज हो रहे हैं। अगर वो गलती से भी सो गए तो ये उसी समय मारे जाएंगे, नींद इनके लिए मौत है। वहीं दूसरी ओर हम एलिसन को एक कॉर्नर में बैठा हुआ देखते हैं। जब क्लेयर उसके पास जाती है तो देखती है कि वो सो चुकी है, और दोस्तों सोना नहीं था। तभी उसकी आंखों से खून आने लगता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और वो मारी जाती है। जी हाँ, उसकी मौत हो जाती है। इतने में पूरे कंपनी के रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहां पर डॉक्टर भागते हुए आती है और वह एलिसन की ऐसी हालत देखकर हैरान थी। वो सभी को अपने पीछे आने को कहती है और सभी लोग एग्जिट गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तब तक गेट बंद होने लगा था और वो बहुत कोशिश करती है कि वो गेट खुल जाए और वो उसके पार निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो उसमें दबकर उसकी मौत हो जाती है। पर जाते जाते वो उन सभी से सॉरी कहती है। इतने में वहां पर आमिर आ जाता है। दरअसल ये सब उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने उस कंप्यूटर में वो फाइल कॉपी की जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस सिस्टम को कोई दूसरे जगह से मॉनिटर कर रहा था और उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि अगर कोई भी यहाँ से कोई चीज या कोई फाइल बाहर भेजना चाहेगा तो पूरी कंपनी 24 घंटे के लिए लॉकडाउन हो जाएगी। अभी वही हुआ था, वो सभी से शेयर करता और उनके साथ बहुत गलत हुआ। वो बताता है कि उन्हें जो डोज दी जा रही है उससे वो खुद की मौत को दावत दे रहे हैं, उनके ब्रेन को ओवरड्राइव कर दिया गया और वो शट डाउन होने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसे नींद आएगी, लेकिन उन्हें वही चीज नहीं करनी है, सोना नहीं है। पर इसे ठीक किया जा सकता है और सबसे पहले उन्हें सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो सोए तो उनका दिमाग फट जाएगा और फिर उन्हें दौरे आएंगे और फिर उनकी बॉडी के सारे पार्ट से खून बाहर आने लगेंगे। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें ना तो कुछ खाना और ना ही पीना है, बस नमक को इनहेल करना है ताकि हमें नींद ना आए। वो सभी को लैब से लेकर कुछ नमक के पैकेट्स देता है, जिसे सभी 5-5 करके आपस में बांट लेते हैं और फिर उसे एक एक करके इनहेल करने लगते हैं। इन्हें कैसे भी करके 24 घंटे तक जागना है, लेकिन अब इन्हें नींद आना शुरू हो गई है क्योंकि ये पिछले 4 दिन से सोई नहीं है, यानी कि तकरीबन 100 घंटों से। पर आमिर कहता है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा हमें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना होगा बिना किसी देरी के, तभी हम ठीक हो सकेंगे। यहाँ पॉल अपनी सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है ताकि उसे मर जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ वो और लोगों को पता चल सके। उधर आमिर लगातार कोशिश कर रहा था कि वो कुछ न कुछ ऐसे करे जिससे कि उसके साथियों को नींद ना आए, वो सभी बचे रहे, इसीलिए वो डॉक्टर ब्रुक के लैपटॉप में चेक करता है कि कुछ तो मिल सके। लेकिन उधर क्लियर की हालत अब बेकार होने लगी है, उसे एलिसन की याद आ रही है और उसे चलते वो बार बार उसके ही बारे में सोच रही है। उधर रे सभी से विनती करता है कि वो उसे अपना थोड़ा सा नमक दे दे क्योंकि उसका खत्म हो गया, पर अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन कोई ये करने को राजी नहीं था क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी है। उधर मार्कस को अब विजन आने लगते हैं कि वो ऐसे ही बस चलते चलते मेन गेट तक आ जाता है। उसे लगता है कि वो खुल चुका है, लेकिन असल में वो तो कब का मर चुका है। जी हाँ, वो बाथरूम गया था लेकिन वहाँ खड़े खड़े सो गया और इतने में उसका दिमाग फट गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल इस डोज से बचने के लिए उन्हें एक ही चीज करनी है, वो है जागते रहना, जितना हो सके अपने दिमाग को एक्टिव रखना। इधर क्लियर की भी हालत अब ठीक नहीं है, वो अपनी माँ के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बोलती है कि वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है,
पर वो बदल चुकी है और उन्होंने उसे बचपन में उसके साथ जो किया उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। लास्ट में क्लियर बोलती है कि माँ शायद ये वीडियो आपको मेरे मरने के बाद मिले, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी ताकि एक घर बना सकूं। अब सभी को अब विजन आने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी आंखें भी बंद होना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी 16 घंटे बचे हैं। वहीं वैनेसा को हम देखते हैं जो अपने आप को तकलीफ दे रही है और खुद के हाथ को गैस स्टोव पर जला रही है ताकि वो सो ना सके, पर ये चीज़ जब क्लियर देखती है तो उसे ज़्यादा उसे दर्द महसूस होता है। अब धीरे धीरे करके समय खत्म होता जा रहा है और इनकी नींद आने की प्रक्रिया और भी तेज होती जा रही है। सभी अपनी आंखें जबरदस्ती खोल कर बैठे रहते हैं लेकिन क्लियर ऐसा नहीं कर पाती, वो सोने लगती। उसकी हल्की सी आंख लगती है कि तभी वो खुद के हाथ को गैस स्टोव पर रख देती है जिससे कि वो उठकर बैठ जाती है, पर अब वो तंग आ चुकी है इसीलिए बाहर आकर सभी से कहती है कि हमारे ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है कि जिन्होंने हमें यहाँ पर बंद किया है वो 24 घंटे के बाद हमें जाने देंगे? मुझे नहीं लगता, हमें कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। परेली कहता है कि ये करने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और इतने में क्लियर उनके सामने एक मैप रखती है और कहती है कि हमें सबसे पहले ये सामने वाली दीवार को तोड़ना होगा जिससे हम बाहर तक पहुँच सकें। फिर क्या था, सभी बंदे लग जाते हैं इस चीज़ को पूरा करने में, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि दीवार तो टूट जाती है पर उसके पीछे थी एक लोहे की परत जिसको तोड़ पाना नामुमकिन था। यानी कि अली की बात सही थी पर उसे ये चीज़ कैसे पता, यही चीज़ रे और वैनेसा के दिमाग में घूमने लगती है। उन्हें तो यहाँ तक लगता है कि अली ब्लैकवुड कंपनी के लिए काम करता है, वही कंपनी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वो नकली डोज ले रहा है इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही है। और अब वो डॉक्टर के जाने के बाद हम सभी के ऊपर नजर रखे हुए है। उधर क्लियर अली के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ वो अकेला खड़ा रहता है। वो उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि यह लॉकडाउन असल में उसकी वजह से लगा है क्योंकि उसने उस सिस्टम से फाइल कॉपी करने की कोशिश करी, पर अब वो जीना नहीं चाहता क्योंकि उसकी गलती की वजह से सब यहाँ फंस गए, इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है क्योंकि अब गिल्ट फील हो रहा था उसे। पर क्लियर उसे समझाती है कि तुम एक ही हो जो हम सभी की मदद कर सकते हो, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती पर पछतावा है तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे हम सभी जाग सके। तब उसे एक आइडिया आता है, वो खड़े होकर कहता है कि मुझे एक केमिकल के बारे में पता है जिसे इंजेक्ट करने के बाद इंसान काफी समय तक जाग सकता है। ये सुनकर क्लियर फौरन इसके ऊपर काम करने को कहती है लेकिन इतने में उस रूम में रे और वैनेसा आ जाती है और आमिर को मारना शुरू कर देते। पर क्लियर उन्हें रोकती है और बताती है कि वो हमारे लिए एक दवा बना रहा है जिसकी मदद से हम ज्यादा देर जाग सकते हैं। अब आमिर अपनी सफाई में भी कहता है कि वो बस यहाँ पर काम करना चाहता है लेकिन उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। तब वो लोग मान जाते हैं लेकिन वो फिर भी आमिर को बांध देते हैं और कहते हैं कि ये हमें बस इंस्ट्रक्शन देगा, बाकी चीज़ें हम खुद कर लेंगे, जिसके लिए आमिर मान जाता है और कुछ ही देर में वो केमिकल को बना लिया जाता है। लेकिन दोस्तों रे और वैनेसा को अभी भी आमिर के ऊपर भरोसा नहीं था इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो उसे धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और उस केमिकल की जगह जिसकी वजह से वो सो जाएगा और मारा जाएगा। ऐसा करने के लिए वो आमिर का ध्यान भटकाते हैं और वैनेसा उस इंजेक्शन को लेकर जाती है, पर दोस्तों बीच में ही उसे नींद आ जाती है और जैसे ही नींद आती है ये अलग दुनिया में चले जाते हैं एक विजन में और फिर बेरहमी से इनकी मौत हो जाती है। अब उसकी वजह से वो केमिकल भी गिर जाता है और उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब सभी बेउम्मीद हो चुके थे, क्लियर भी हिम्मत हार चुकी थी और जाकर हॉल में बैठ जाती है जहाँ उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है कि वो कहीं और पहुंच चुकी है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। इतने में वो जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे वहां दीवारों से कुछ आवाजें आती है जिसे वो खोदना शुरू कर देती है। उसके पीछे उसे एक मुर्दा घर मिलता है जहां से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता भी था। तभी हम रे को भी देखते हैं जिसको वो नोट मिल गया था जो आमिर ने लिखा था। अब उसे पढ़कर उसका गुस्सा काबू में नहीं रह पाता इसीलिए वो चाकू लेकर आमिर को मारने के लिए चला जाता, लेकिन तब तक तो आमिर डॉक्टर ब्रूक की सोल दिखाई देने लगती है, वो भी नींद की वजह से हेलुसिनेट होना शुरू हो गया था। उसके सामने डॉक्टर ब्रुक बैठी थी जो उससे कहती है कि तुम्हें इन सब को मानना होगा तब जाकर तुम्हें ब्लैकवुड में काम मिल सकेगा। इतने में रे आगे बढ़ता है और उसे मारने के लिए, लेकिन आमिर उसे पहले ही उसकी जान ले लेता है और खुद को फ्री कर देता है। उसका पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपने ही साथियों के पीछे भागने लगता है उन्हें मारने के लिए। ये करके वो डॉक्टर ब्रुक को ये साबित करना चाहता है कि वो इस समय में काम करने के काबिल है और रियलिटी में डॉक्टर ब्रुक कब का मर चुकी है। अब उसके डर से पॉल भागकर मुर्दा घर के हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर मुर्दों को जलाया जाता था। यहां पर ऑटोमेटिकली वहां आग जलना शुरू हो जाती है जिसमें वो पल भर में ही राख बन जाता है। अब क्लियर भी भागते हुए हॉल में आ जाती है और इतने में दोनों को नींद आना शुरू हो गई थी। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी वहां के गेट खुल जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम खत्म हो चुका था। अब अंदर आते हुए कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास बंदूकें थी। वो सबसे पहले आमिर को पकड़ते हैं और उसे वहीं तुरंत शूट कर देते हैं क्योंकि वो अगर जिंदा रहा तो उनकी कंपनी के लिए मुसीबत बन जाएगा। मतलब दोस्तों क्लियर ने सही कहा था, ये उन्हें कभी बचाने वाले थे ही नहीं। अब गोली की आवाज़ क्लियर सुन लेती है जो कि अभी जिंदा थी।
वो फौरन जाकर उन लाशों के साथ लेट जाती है जिससे उन्हें लगता है कि ये भी मर चुकी है। इसीलिए वो उसे भी ट्रक में रख देते हैं और ले जाने लगते हैं। लेकिन क्लेयर बीच में उठ जाती है और ये देखकर वो ड्राइवर डर जाता है जिससे कि वो ट्रक अनबैलेंस हो जाती है और पलट जाती है। दोनों ही बेहोश हो जाती हैं, पर क्लेयर होश में थी। अब वो रोड पर आती है और वहां आकर उसे नींद आ जाती है। कहानी अब यहाँ से सीधा शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम क्लेयर को एडमिट देखते हैं। उसके पीछे से एक आवाज आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ब्लैकवुड कंपनी ने कहा है कि डॉक्टर ब्रुक के इस ट्रायल के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो जितने भी लोग मरे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और बस आखिरी सांस गिन रहे हैं, वो उनकी फैमिली का पूरा खर्चा उठाएगी। ब्लैकवुड हमेशा से अच्छी और सस्ती दवाइयां ही बनाती आ रही है। वो फिर से मासूम पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं और वो बन भी जाती है। कंपनी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके बड़ी ही सफाई से अपने गुनाहों को साफ कर लिया, पर इतने में हम देखते हैं कि क्लेयर की आंखें खुल गई है, उसे होश आ गया। यानी कि अब ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। शायद अब इसका अगले पार्ट में क्लेयर अपने दोस्तों का बदला ले या फिर ब्लैकवुड कंपनी को एक्सपोज कर दे दुनिया के सामने, जिससे उनकी सच्चाई सबको पता चल सके। वेल दोस्तों, रियलिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर ऐसी बहुत सारी फार्मेसी कंपनीज है जो कि इंसानों के ऊपर ट्रायल कर और बहुत सारे गलत नतीजे निकल कर सामने आते हैं। वेल आपको कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।